देखिए, नीट के परीक्षा के संबंध में आप जो देखें गोधरा में जो पकड़ाया है, और यहाँ भी जो सिकंदर यादव जी कनीय अभियंता है उसको देखें, स्पष्ट है, प्रमाण है कि आदरणीय तेजस्वी जी के निजी सचिव रितम कुमार के नाम से वो अलॉट करवाया गया है, वो अनुशंसा उन्हीं के द्वारा हुआ है। और कहीं ना कहीं इस लोग का साजिश है, राजद को तो भ्रष्टाचार से पैदा लिया है, तेजस्वी जी का तो जन्म ही भ्रष्टाचारी के गोद में हुआ है, उसका उनका लालन पालन ही भ्रष्टाचारी के गोद में हुआ है। तो भ्रष्टाचार करने की उनको आदत है, तो उस आदत से कहाँ जाएंगे? वो सरकार को बदनाम करने के लिए ये लोग साजिश किया, और साजिश करके ये लोग छात्रों को उकसा रहा है केंद्र सरकार के खिलाफ में। ये सच्चाई सबके सामने आ गई है, जांच कर रही है, जांच में दूध के दूध पानी होगा, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, वही संविधान के दायरे में कार्रवाई किया जाएगा, और स्पष्ट है कि दोषी को जेल भेजा जाएगा। देखिए, राजनीतिक लोगों के साथ सब लोग आते हैं, अभी हम यहाँ बैठे हैं, कोई भी बगल में बैठ सकते हैं, किसी को भी फोटो आ सकता है, लेकिन ये स्पष्ट है, अभी तक जो सिचुएशन है उससे स्पष्ट निर्देशित होता है कि राजद द्वारा सोची समझी ये जालसाजी किया गया, सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए किया गया है, और भ्रष्टाचारी में हाथ है, परीक्षा पेपर लीक करने में राजद के लोगों को जानबूझ के दोषी है, और ये केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए किया गया, इस पर कार्रवाई किया जाएगा। कर सकता है तो हम दोनों जगह ऐसे एसडीएम साहब आए थे ना, तो बोले थे इंद्रावास के बारे में, बोल दिए पदाधिकारी, बोल लगे कर दल के तब तक कर अधिकारी जो टेक्निकल उनको बस्ती की यदि वार्ड नंबर 5 में बस्ती से इसका जमीन सब चीज रहता मोटेशन एलपीसी तो उधर भी मिलेगा, वहां मिलेगा पेपर और घर है यहाँ दिक्कत वही वही मुखिया जी कह दी मिल तो आजकल सब ऑनलाइन कह दें बन जाएगा। नगर निगम के कागज होना चाहिए, नगर निगम से पार्टी अच्छा निकल रुपन दिया तो अपने जब यदि पंचायत